नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन 11। अब मैं हूँ आपके साथ शिवानी। नवरात्रि के 3 दिन बीत चुके हैं और आज हो रही है माता कुष्मांडा की पूजा। अभी हम मौजूद हैं डाक बंगला चौराहा पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से पंडाल जो है आधे तैयार हो चुके हैं। हालांकि अभी इसमें काम जो है चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें पटना की दुर्गा पूजा की, तो हर जगह जो पंडाल बनाए जाते हैं, काफ़ी बारीकियों से इन पंडालों को तैयार किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पंडाल को एक मंदिर का रूप दिया गया है, किस तरह से एक एक कारीगरी जो है वो काफ़ी बारीकी तरीके से की जा रही है। 14 दिन है आज माता कुष्मांडा की, आज पूजा की जाती है और हम आपको ले चलेंगे इसी पंडाल के अंदर। हालांकि डाक बंगला चौराहा पे जहाँ ये पंडाल बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पर अगर हम बात करें तो, क्योंकि हमेशा डाक बंगला चौराहा पे जो पंडाल बनते हैं काफ़ी चर्चा में रहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो पटना में कुछ जगहों पर जो पंडाल बनाए जाते हैं उनकी बात ही कुछ अलग देखने को मिलती है। हम अभी ले चलते हैं आपको पंडाल के अंदर, और पंडाल के अंदर जाकर के जानते हैं कि इस बार दुर्गा पूजा कौन से थीम को लेकर के पंडाल को तैयार की जा रही है। क्योंकि हर साल कुछ अलग अलग थीम लेकर के, अलग अलग सोच लेकर के पंडाल जो है तैयार किए जाते हैं। तो हम लोग इस बार जानेंगे कि आखिर इस बार दुर्गा पूजा में कौन से अलग तरीके से हमें पटना के पंडाल देखने को मिलेंगे। हमारे साथ अभी कोषाध्यक्ष अमित जी मौजूद हैं। अमित जी, हम जानना चाहेंगे कि जो पंडाल बन रही है, हर साल अलग अलग थीम लेकर के आप लोग बनाते हैं, तो इस बार कौन सा थीम आप लोगों ने सोचा है? इस बार हम लोगों ने हिंदुस्तान के धर्म को लेकर के एक बहुत बड़ी मंदिर जो कि कर्नाटका में श्री कानेश्वर टेम्पल है, उसका रूप दिया है। यह पूरा पंडाल आप देख रहे होंगे, इसे भुइयां डेकोरेटर काथी मिदनीपुर वेस्ट बंगाल के कारीगरों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस पूरे पंडाल को बनाने में 5 से 6 महीने का समय लगा है। इसका डिज़ाइन भी कलकत्ता आर्ट कॉलेज के कारीगरों ने ही किया है। और ये पूरे पंडाल जो आप देख रहे हैं, इसे SCP और गिन्नी फोम फाइबर इत्यादि चीज़ों से बनाया गया है। आप जो पेंटिंग देख रहे होंगे, ये चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन जो है एक बार ऊपर दिखाएं कि आखिर किस तरीके से इस पेंटिंग को किया गया। जी बताइए, आप जो ये पेंटिंग देख रहे होंगे, इसमें 5 कलर मिलाए गए हैं, ब्राउन, गोल्डन, सिल्वर, रेड और वाइट। इसका समावेश आपको देखने को मिलेगा पूरे पंडाल में। आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं, ये सब जो डिज़ाइन है ये कलकत्ता के आर्ट कॉलेज के कारीगरों ने भुइयां डेकोरेटर के साथ मिल करके बनाया है। और इस पे बड़े बड़े भगवान शिव के फाइबर के स्टैचू भी लगाए जा रहे हैं, जिसे 1 से 2 दिनों में बिहार के जनता को पंडाल के रूप में इतने बड़े धर्म के जगह पे प्रस्तुत किया जाएगा। आज माता कुष्मांडा का दिन है, 4th दिन है नवरात्रि का, कुछ दिनों में दशहरे भी आ जाएंगे। हालांकि देखें तो पटना अभी बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं उदासी भी है बिहारवासियों के अंदर। लेकिन उस बीच जिस मंदिर का आपने, हालांकि काफ़ी दिक्कतें भी हुई होंगी बारिश की वजह से इस पंडाल को तैयार करने में। बिल्कुल, हमें ये पंडाल 2 दिन पहले ही बनना था, लेकिन बारिश के वजह से 4 से 5 दिन काम चला नहीं। लास्ट में हम लोगों ने 2 दिन पहले ये डिसाइड किया कि काम तो करना है, तो जितने भी हमारे कारीगर आए सबको हम लोगों ने रेनकोट दिया। वो बेचारे रेनकोट पहन करके भींगते हुए पंडाल को तैयार किए, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है बिहार का, इसे तो अधूरा नहीं छोड़ना है। और माँ से हम लोग हमेशा पूजा में ये आराधना करते हैं कि माँ, जो इतना बड़ा घटना बिहार में हुआ है उसे ठीक कर दे, करने की शक्ति दे। बिल्कुल सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, पंडाल बन रहे हैं, बारिश की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन अगर देखिए सुरक्षा के नज़रिए से, तो सुरक्षा को लेकर के किस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने इंतज़ाम किया? सुरक्षा का यहाँ बहुत भरपूर व्यवस्था है। हमारे पर्सनल वॉलेंटियर कोतवाली थाना DM के अनुसार बहुत सारा सुरक्षा, यहाँ CCTV कैमरा पूरा कोतवाली से डाक गांधी आपका कोतवाली और डाक बंगला चौराहा से CCTV कैमरा लगाया गया है, और एक एक लोगों पर नज़र रहता है, इसलिए यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत तैयारी है। किसी को कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है, अपने परिवार के साथ यहाँ दर्शन करें, पूजा पाठ करें और अच्छा है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि बिहार कभी उदास नहीं रहता है, किसी मामले में कुछ भी हो जाए, खाना मिले नहीं मिले लेकिन खुश रहेगा। इसलिए आप बोली थी, हम बोले बिहार कभी उदास नहीं होता है, सब समय पर अनुकूल हो ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि जिस तरह से बारिश की वजह से पटना में कहीं ना कहीं लोग अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो नवरात्रि का 4th दिन है, माता कुष्मांडा का दिन है, और अब देख सकते हैं कि किस तरह से इन पंडालों को तैयार किया जा रहा है।
हालांकि अगर हम बारीकी की बात करें तो जिस मंदिर का इसे रूप दिया गया है, हालांकि अभी तक 6 फ्लोर हमें ऊपर देखने को मिल रहे हैं कि कितने बारीकी से जो कारीगर हैं, हालांकि बारिश की वजह से इन्हें रेनकोट दी गई है, उसके बावजूद भींग के इन्होंने अपने कहते हैं कि मेहनत और खून पसीने से जो इन्होंने पंडाल तैयार किए वो वाकई में काफ़ी सुंदर दृश्य दे रहा। हालांकि अभी इसे आधा बनना बाकी है, लेकिन अगर हम देखें तो आधे में ही जो ये रूप निकल कर सामने आया है, हम सोचिए अगर जब ये पूरा तैयार होगा तो वाकई में जो पूरे पट्टा वासी हैं वो वाकई में उनकी आंखें कहीं ना कहीं देखते हुए रह जाएंगी। माता दुर्गा का दिन है, 9 दिनों तक इनकी पूजा अर्चना की जाती है, दशहरा आने वाला है, हर तरफ खुशी का माहौल है, जहाँ लोग बारिश से अब उभर रहे हैं, धूप भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। अभी हम पंडाल के अंदर आपको लेकर के आए हैं और हम आपको अपने पीछे का ये दृश्य दिखाना चाहेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बत्तख से लेकर के जो ये इमारतें मूर्तियां जो तैयार की गई हैं, हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें ढाला गया है। हालांकि काम जो है वो अभी भी जारी है, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कतें आई हैं, कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर पानी लगी हुई है, लेकिन दशहरा जो है एक ऐसा त्यौहार है जो बुराइयों को कहीं ना कहीं पीछे करके हटा करके एक खुशहाली लाता है। बिहारवासी जो है वो कहीं ना कहीं दशहरा को लेकर के पटनावासी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। हम चाहेंगे आप एक बार ऊपर देखें कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो दृश्य दर्शाया गया है वो वाकई में देखने लायक है, क्योंकि कारीगरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो रंग भरे गए हैं वो रंग कई तरह के इसमें रंग भरे गए हैं, चाहे वो ऑरेंज हो या फिर अगर हम देखें तो स्काई कलर, या फिर अगर हम देखें तो एक कलर आता है शाइन, ठीक है, वो मतलब हर एक कलर को मिला करके इन सभी चीज़ों को अभी फ़िलहाल जो है वो तैयार किया जा रहा है। काम अभी भी जारी है, क्योंकि 1 से 2 दिनों एक दिन पहले ही इन काम को ख़त्म हो जाना था, लेकिन बारिश की वजह से कहीं ना कहीं काम में थोड़ी रुकावटें आई हैं, लेकिन उन बारिश ख़त्म होने के बाद से काम जो है हर तरफ पटना में पंडालों को लेकर के ज़ोर शोर से अभी भी शुरू है। ने आपको दिखाया डाक बंगला चौराहा पर जो दशहरे को लेकर के जो गेट तैयार की जा रही है, किस तरह से वहाँ की तैयारियाँ हो रही हैं, किस तरह से सुरक्षा को लेकर के डाक बंगला पे इस बार इंतजाम किए गए हैं। बारिश की वजह से पटना काफ़ी समय से सही लेकिन धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहा है। दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है, नवरात्रि का 4था दिन है, माता कुष्मांडा का दिन है, और आज के दिन अगर हम बात करें 4थे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। भक्त जो है कलश स्थापन करके हर तरीके से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम सभी अभी दुर्गा माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि बाढ़ की जिस तरह से स्थिति पटना में बनी हुई है, सब जल्द से जल्द उससे उभर सके। हालांकि चलिए हम एक बार फिर दिखाते हैं, अभी हम मौजूद हैं आपको पंचमुखी मंदिर के पास, और किस तरह से यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारियाँ जो है कितने सही तरीके से, यहाँ पे सजावट जो है वो पूरी हो चुकी है, रास्ते जो है वो सज चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दुर्गा पूजा को लेकर के पटना, चाहे बोरिंग रोड हो, डाक बंगला चौराहा हो, हर जगह पर तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, जहाँ बारिश की वजह से इन्हें रोक दिया गया था। काफ़ी देर तक जो कार्य थे, जो काम थी वो बाधित हो चुकी थी, लेकिन बारिश के बाद एक बार फिर पटना जो है पूरे जोर शोर से हर तरीके से शुरू हो चुकी है। चलिए हम ले चलते हैं आपको, दिखाते हैं सीधे पंचमुखी मंदिर के पास, इस तरह से इस बार कौन कौन से गेट और कौन से थीम को लेकर के इस बार गेट तैयार की जा रही है। चलिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पंचमुखी मंदिर के पास जो गेट तैयार की जा रही है वो हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि शुरुआत ही हुई है, क्योंकि बारिश की वजह से काम जो है काफ़ी समय तक के लिए रुक चुका था, रास्तों पे जिस तरह से पानी लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से कार्य जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर के तो दशहरे में हर जगह पर काफ़ी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हम चलिए ले चलते हैं आपको उन लोगों के पास जिन लोगों की बदौलत ये गेट जो है वो बन रहा है, हम जानेंगे उन लोगों से कि किस तरह से वो लोग इस बार मेहनत कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं आप लोग ये तमाम गेट। ये तो 1 महीना लग रहा है हमारे 8 आदमी के लेके, जम्मू का रघुनाथ मंदिर है और क्या पूछूं। इसमें मतलब हर साल कोई अलग थीम के तैयार किया जाता है, तो जो इस बार आप लोग गेट बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसी कारीगरी कर रहे हैं? जैसे लकड़ी है, बांस है, रस्सी है, कपड़े हैं और क्या, यही सब लेके। क्या चीज़ के ऊपर बना रहे, कौन से ऐसे मंदिर भगवान के? है जम्मू का रघुनाथ मंदिर जी, 8 हैं ये 25 दिन से। कितने दिनों के अंदर ये शुरू हो जाएगा? 25 दिन 25 दिन 25 दिन हो चुके हैं, अभी कितने दिन लगेंगे? 4 दिन और लगेंगे। 4 दिन और लगेंगे जी, बिल्कुल 4 दिनों के अंदर ये गेट जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी निर्भय, निर्भय से हम लोग ये जानना चाहेंगे, निर्भय 4था दिन है आज नवरात्रि,
रहेगा। हर तरफ तैयारियां जो है बारिश की वजह से रुक चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो बारिश में ही काम में थोड़ा असर भी पड़ा है कि उसके बावजूद भी जोर शोर से तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। सुरक्षा भी कहीं ना कहीं बारिश की वजह से हर तरफ बाढ़ की जो स्थिति है वहाँ पर तैनात किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी पटना उभरने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है कितने दिन लगेंगे अभी तमाम गेट बनने में? बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से अगर बात तैयारियों की करें तो पटना एक बार फिर से, एक तरफ तो अभी भी पानी है, हालांकि सुरक्षा को लेकर के करें तो उधर तमाम तरह की सरकार की तरफ से वो दावे जो किए गए थे लगभग सरकार अपने तरीके से उस पर लगी हुई है, लेकिन जो जिस तरीके से एक तरफ जो बाढ़ का मंजर है, हालांकि वो जल जमाव है, लेकिन उसके बाद जो एक दूसरी तस्वीरें हैं उधर पटना जो है सजने लगा है तैयारियों को लेकर के, क्योंकि माँ शारदे का आगमन है और उसके साथ साथ चौथा दिन है। और इस चौथे दिन में भी जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये पंडाल है पटना के कई जगहों पे, जब हमने आपने दिखाया वो दृश्य तो उस वक्त और इस वक्त जो हम खड़े हैं यहाँ भी लगभग नज़ारा वही है और तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, सब लोग लगे हुए हैं पूजा की तैयारी में। हर लोगों से जब आपने भी बात की, हमने भी कई लोगों से बात की, तो सभी लोग और जो इस तरीके से एक बार फिर से जो पटना है वो माता के आगमन के साथ साथ उनके पूजा में उनकी सेवा में पूरी तरीके से जुड़ चुका है और उसका एक नज़ारा पटना के दूसरे भाग में दिखा जा रहा है। हालांकि राजेंद्र नगर की बात करें या फिर कंकड़बाग की बात करें तो उधर का एरिया अभी भी पानी से पटा पड़ा है, लेकिन उस बीच जिस तरीके का ये मंजर है ये थोड़ा सा दुखदाई है। हालांकि इस बीच अगर पटना में जो तैयारियों की बात करें, हालांकि कई ऐसे कार्यक्रम होने थे, कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है, कई अभिनेत्रियों को भी यहां आना था, कई अभिनेता भी आने वाले थे, कई जगह पर जो डांडिया कार्यक्रम थे वो भी लगभग इस दुख की घड़ी में रद्द कर दिए गए हैं। हालाँकि फिर भी माता अगर आई हैं तो स्वागत बनता है, सत्कार उनका बनता है और सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं। जी शिवानी, बिल्कुल हम आपको एक बार फिर बता दें कि जिस तरह से बारिश की वजह से पटना वासी या बिहार वासी जो एक दुख की घड़ी झेल रहे थे, कहीं ना कहीं उससे उभरने के लिए माता दुर्गा जो है उन्होंने अपने हाथ जो है अपने भक्तों पे बना रखी है। हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे जो पंडाल बन रहा है सुरक्षा को लेकर के अगर बात करें तो कैसे इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है यहाँ, किसी प्रकार का कभी कोई विघ्न बाधा नहीं हुआ, ये सब माता की कृपा है। और यहाँ पुलिस वगैरह रहती ही है, कैमरा लगा हुआ है, फायर का जो सामान होता है वो लगा रहता है, तो ये सब सुरक्षा की व्यवस्था है। यहाँ समिति के तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था रहता है, कोई यहाँ किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं होती है। हम ले चलते हैं आपको यहाँ पे मौजूद पुजारी के पास और जानते हैं कि चौथे दिन माँ दुर्गा की वो कौन से रूप की पूजा करवा रहे हैं और किस तरीके से वो इस बार नवरात्रि को लेकर के यहाँ पर पूजा अर्चना करवा रहे हैं। चलिए, दुर्गा पूजा में एक थीम लेकर के पंडाल बनाए जाते हैं हर जगह, तो इस बार आप लोगों ने कौन सा थीम सोचा है पंडाल बनाने का? इस बार जम्बू के रघुनाथ मंदिर बन रहा है, क्योंकि 370 और 35 ए धारा को हटाने के उपलक्ष्य में खुशी से लोग जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने और यहाँ खुशियों का अंबार लगा हुआ है, खुशियों का मतलब ढेरों सारी खुशियाँ यहाँ लोगों को है 370 को लेकर के, क्योंकि जम्मू कश्मीर का रघुनाथ मंदिर बहुत कम जगह बनाया जाता है, बहुत कम जगह बनता है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सोचे हैं जो इस बार रघुनाथ मंदिर ही बनाया जाए, कोई खुशियों का अंबार लगा हुआ है, खुशियों का ढेर सारी खुशियां हैं, लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, सिटी से, दानापुर से, कि चलो भाई पंचमुखी जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छा मंदिर का पंडाल जो है सो बना है। ये जानना चाहेंगे जो धारा 370 और 35 ए के उपलक्ष्य में आप बना रहे हैं, आप 25 दिन से अभी मजदूर लगे हुए हैं और कितने दिन लगेंगे इस पंडाल को भी तैयार? लगभग महीनों दिन से मजदूर लगे हुए हैं इस कार्य को संपादन करने में और दो तीन दिन और लगेगा, यहाँ दिन रात काम चल रहा है, थोड़ा बारिश से प्रभावित हो गया है, लेकिन दिन रात काम चलेगा, पंडाल तैयार हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि पंडालों की तैयारी जो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, चार दिन नवरात्रि के आज बीतने वाले हैं, पांचवें दिन की कल से पंचमी शुरू होने वाली है, हर तरफ खुशी का माहौल है। तो फिलहाल इतना ही, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप को भी ज़रूर लाइक करें, ज़रूर आपको इंस्टॉल करें ताकि दिन भर की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक नहीं किया है तो न्यूज़ 11 के फेसबुक पेज को भी लाइक करें, क्योंकि तमाम खबरें हम वहां पर भी अपलोड करते हैं। नमस्कार। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।